हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर रिएक्टर स्टेशन बन गया है। इसका तीसरा पावर स्टेशन, जिसे KAPP3 कहते हैं, जिसका अर्थ है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट 3, ये शुरू हो गया है, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट की है। तो जानेंगे इस रिएक्टर के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। ये पावर स्टेशन गुजरात के व्यारा नगर के पास है। यहाँ पर पहले से ही 220 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर हैं, जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। इसका पहला रिएक्टर 3 दिसंबर 1992 में क्रिटिकल हुई थी। क्रिटिकल का अर्थ होता है क्रांतिक। पहले यूनिट के रिएक्टर ने 1993 में विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया था और दूसरा यूनिट 1995 में शुरू हुआ था। ये दोनों यूनिट 220 मेगावाट की हैं। मैप में मैं आपको इस रिएक्टर की लोकेशन दिखाती हूँ। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात शहर के सूरत से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसी प्लांट में KAPP3 शामिल हो गया है। ये रिएक्टर पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इसमें किसी भी दूसरे देश का चीज़ यूज नहीं हुआ है। 700 मेगावाट वाले इस प्लांट का विकास और ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ने किया है। इसमें ये दोनों प्लांट 220 मेगावाट के हैं। ये है KAPS1 और ये है KAPS2। इसमें KAPP4 का भी काम चल रहा है। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी जी का है, जिसमें उन्होंने KAPP3 के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्राइम मिनिस्टर जी ने इस पावर प्लांट को मेक इन इंडिया का शाइनिंग एग्जाम्पल कहा है। और आगे ये लिखते हैं कि ये भविष्य में इस तरह की उपलब्धियों की शुरुआत है। ये रिएक्टर भारत का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है, जो 700 मेगावाट की क्षमता प्रोड्यूस करेगा। अब मैं आपको PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में बताती हूँ। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वह पावर रिएक्टर है, जिसमें शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का यूज किया जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि यूरेनियम को भारत में ही एनरिच कर लिया जाता है। इसमें हैवी वाटर या ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO को सामान्य दाब के बजाय उच्च दाब पर रखा जाता है, ताकि बिना उबाले ही जल को अधिक ताप तक ले जाया जा सके। इससे इसके वाष्पीकरण के बाद फैन घूमने लगता है, जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है। KAPP3 की यह उपलब्धि काफ़ी बड़ी है। प्लांट के परिचालन में आने के बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी है। भारत ने त्रिस्तरीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का विकास किया है। इसने क्लोज्ड फ्यूल साइकिल पर आधारित एक 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम विकसित किया है, जहां एक चरण में इस्तेमाल हुए ईंधन को फिर से प्रोसेस करके अगले चरण के लिए ईंधन बनाया जाता है। KAPP3 की शुरुआत के बाद अब KAPP4 की भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। KAPP3 Mark IV टाइप कैटेगरी का उपकरण है, जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स डिजाइन है। ये रिएक्टर बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स और जनरेटर से लैस है, जिसका वजन करीब 215 टन है। अप्रैल 2019 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेशन ने KAPP3 का प्री स्टार्टअप रिव्यू शुरू कर दिया था। तो ये थी पूरी जानकारी काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।